गुड मॉर्निंग दोस्तों, बड़ को नमस्कार, छोटू को ढेर सारा प्यार, हमारी दोस्ती रहेगी बरकरार। चलिए आज का लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, संडे मतलब फंडे, फंडे मतलब लेट डे, थोड़ा लेट उठाऊ, आराम से सोया था आज, आराम से आँख वाँख लगी थी एकदम रात को ही, थोड़ा लेट सोए तो हाँ थोड़ा लेट उठा आज, मज़ा आया लेकिन दोस्तों सो गए। तो चलिए ब्रश व्रश फ्रॉड कर लेता हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करेंगे, देखते फिर नाश्ते में करेगा हमेशा की तरह। तो लेट्स फ्रेश हो जाता हूँ फिर उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों फाइनली ब्रश कर लिया है चकाचक, आइए दीदी से पूछो नाश्ता करें, दीदी लग गई जॉब पे, सोचो संडे में भी जॉब, आइए बात करते दीदी से, दीदी नाश्ते में क्या रहेगा, मम्मी का तो पूजा चालू है, मम्मी का होने के बाद बनेगा दोस्तों नाश्ता, और पूजा भात में राइस, इसमें लग रहा है दाल है वो राइस है। और अभी आप जॉब क्यों कर रहे हो, अभी तो रखो ना, आप बोल रही थी बस 9 घंटा ऐसे रखना ही है ना, जॉब क्यों, ये क्या आप काम कर रही हो ना, वो क्या मेरा फाइल जी ओपन करके चेक कर रही हूं, अभी तारक में तो चलिए वेट करते हैं, और कुछ नहीं अभी मम्मी का पूजा होने के बाद ही फिर नाश्ता बनेगा, बना ही नहीं अभी तक, सोचो मतलब बनने के बाद हमें खाने मिलेगा, ऐसा रेडीमेड भी नहीं अभी, तो अभी तो होल्ड करना बनाए तो मैं खा लिया रहता, तो अभी बस मम्मी का पूजा फटाफट होते और जैसे उनके बाद मम्मी फटाफट बनाई और फिर खाना खा लेंगे, तो बस वेट करते अभी नाश्ते में, विलंब है थोड़ा, राइस रहेगा शायद दीदी जैसा बोल रही है। दोस्तों फाइनली मम्मी अभी नाश्ता बना रही है, मम्मी से पूछते नाश्ते में क्या है, मम्मी नाश्ते में क्या बना रही हो, मम्मी बोल रही है नाश्ते में पास्ता बना रही है, और भुजा भात फिर किसके लिए, ओके मेरे लिए पास्ता, मम्मी लोग के लिए भुजा भात, क्या पता अलग ही अपने को ट्रीटमेंट है यार दोस्तों, बस ऐसे वहाँ से अच्छा लगता है। और ये देखो नेहा जी को काम ना काज, और ये देखो ये नेहा जी ने ये कवर क्यों निकाला, अरे वो गंदा हो गया, वो झाड़ना फिर वापस लगेगा, वेयर इज कवर, योर इज द कवर, तो नेहा जी ने नेहा जी से कवर निकल गया, तो नेहा जी कुछ भी ओवर एक्टिंग करके झाड़ने के बहाने से निकाल दिया, काम शुरू कर दी, मैं नहीं लगाने वाले, आपको लगाना है, देखो तो ये ब्लू है और ये भी ब्राउन है, फालतू ग्रीन अच्छा लग रहा है, पुराना कवर कर दिया सर, रोज अच्छा नहीं लग रहा, गंदा लग रहा है, मुझे बहुत गंदा किया नाजी ने, और नाजी बहाना ये थे कि अभी उसको साफ करना है इसके लिए, ऐसा कुछ साफ वाफ नहीं था, उनसे ऐसे निकल गया था एक्चुअली, कैसा ये लगने वाला है, तो अब गलती हो गई। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, अभी खाना बनेगा तब खाना खाएंगे यार, बहुत भूख लग रही है, अभी कुछ बोलूंगा नहीं ज़्यादा बोलूंगा थकान होएगा, तो अभी डायरेक्ट खाना खाएंगे यार, खाना खाते दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली पास्ता बन गया, नेहा जी लोग भुजा भात खा रहे, मम्मी भुजा भात खा रही और मैं खाऊंगा पास्ता, तो चलिए कौन बोला, मैंने टेस्ट किया, बस आपका नमक और मेरे नमक का टेस्ट अलग अलग है, ठीक है यार, तो चलिए खाते हैं पास्ता और इंजॉय करते हैं और मिलते हैं नाश्ते के बाद, और मैं खाने के आते बताऊंगा नमक बराबर है कि नहीं है, ठीक है। पास्ता दोस्तों मस्त था, यस नमक का मात्रा अनुसार से थोड़ा कम था लेकिन ठीक था, टेस्टी था, ऐसा नमक की कमी इतनी लग रही नहीं थी, मैनेज हो गया था, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना भी नहीं चाहिए ऐसा मेरा मानना है, बाकी सबका प्रॉब्लम मानना रहता है। और नाजी दोस्तों अभी दही लाने गई है, पता नहीं क्यों, आइए नाजी से जानेंगे, जैसे ही नाजी आएगी दही लेके तो नहीं सोचेंगे क्यों लाने गई हो अब दही, तो नाजी ने मम्मी को दिए सामान, काम सौंपने का चालू हो गई, और मम्मी का ध्यान है टीवी में, और मम्मी का हाथ है इधर, कोई नहीं लगे रहो। तो फाइनली आपने ले लिया, क्या नीचे कौन हंस रहा था, क्यों तो वॉल्यूम कम करो ना, हंस हंस के बोल रहे हो, और दही क्यों लाया ये बताओ, मेथी का पराठा बन रहा है ना, मेथी का पराठा बन रहा है इसके लिए दही, आप बना मेथी का पराठा, मम्मी हाँ माँ मेथी का पराठा आप बना रही हो, कि नेहा जी बना रही है ये पूछ रहा हूँ, नेहा जी बना रही है क्या, बना रही हो नेहा जी, क्या आप बना जी, आप बना रही हो मेथी का पराठा, आप बना रही हो मेथी का पराठा, मतलब मम्मी बना रही, मतलब देखो थैंक्स, तो आ गई फाइनली नेहा जी, दही लेके ₹5 का ले जाते, बालाजी भी आता है, हसबुला भी आता है, जा तू कुछ भी खा, ठीक है खाने में है थेपले या फिर मेथी का पराठा और चटनी, तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं खाने के बाद।
तो दोस्तों फाइनली खाना खा के हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, शाम को फिर निकलेंगे बाहर। गुड इवनिंग दोस्तों, ये शाम हो गई है और दीदी अभी जॉबी कर रही है। दीदी को वापिस हुई 9 घंटे का और कम्प्लीट कराना जिस समय मैं कर रहा था, आपको याद है। तो मैंने तो बखूबी निभाया था अपना काम, लेकिन दीदी से वो काम निभा रहा नहीं है क्योंकि दीदी आलस हो गई है। मैंने उस समय किया था 6 घंटा और दीदी की 5 घंटा, 5.5 घंटा की हूँ मैं। 6 घंटा मैंने किया था। हाँ तो ठीक है ना, मैंने आधा घंटा तेरे से कम किया है। ये सोचो तो मैं आपका काम मैं रोज करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ एक दिन नहीं किया था तो मुझे बड़ा सुना रहा है। मैं गाइस मैं रोज करती हूँ, मैं सीखे बिना तो मैं तुझे सिखा रही वो चीज। तो ध्यान रख कि तू कोई भी कंपनी में जाएगा तुझे 9 घंटा देना है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, कैन यू जस्ट इमेजिन, मैं आपसे ज्यादा काम किया हूँ। आई एम वेल बेटर, क्या बोल सकता हूँ, ओ प्लीज एलिजिबल। हाँ तो चल आ जा, गेम्स में लगा दे तो तुझे नौकरियां, आपसे हाई पोस्ट लेंगे। हाँ जा इंटरव्यू दे दे, एलिजिबल है तो जा। ऐसे ऐसे भाई वो लोग इनको लेना, फिर एक्सपीरियंस होंगे। हाँ तो फिर बोल रहे मैं घर पे करता था, मेरी बहन का लैपटॉप ऑन रखने में मदद करता था। ये तो आपको नौकरी करते हुए अभी मुझे जाना है विजय सेल्स, कोई काम के लिए आपको पास चलेगा? पहले मेरे को जाने दो, फिर आपको बताता हूँ, निकलूंगा तो बताऊँ। तो खेलने से पहले मुझे जाना है विजय सेल्स, तो चलिए फटाफट जान के आ जाए। दीदी बाय बोल रहे, बाय जी, चलिए चलते हैं। तो सो ऑटो पकड़ लिया, निकल गया है विजय सेल्स, चले जाते हैं और विजय सेल्स आपसे मिलते हैं। साईराज भी है और श्रेयस भी है। फाइनली दोस्तों विजय सेल्स पहुंच गए, आइए अभी बिलिंग काउंटर में बात करना है। कैशबैक के लिए याद है हमने पहले मैक लिया था, उसका कैशबैक नहीं आया तो पूछना पड़ेगा। हम गए थे विजय सेल्स और उधर हमें पता चला कि यस हमें विजय सेल्स के साइड से वो क्लियर है, बैंक का कुछ एरर है तो बैंक साइड से हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो यस अभी ये हमें बैंक को मेल करना पड़ेगा, तो हाँ अभी बैंक के साइड पर करना पड़ेगा, देख लेंगे वो दीदी लोग देख लेगी। मेरा काम हो गया, मेरे को विजय से जाने बोला था, मेरा हो गया, अभी चलते हैं घर पे। हम आ गए हैं, चल चलते पानीपुरी खाने, अभी देखते हैं पानीपुरी खाते, पानीपुरी में लाइन लगे, लेकिन ओम साई शेवपुरी और इधर हम लाइन में लग गए। पानीपुरी खाने के लिए इतना लाइन लगती है शेवपुरी मोस्टली। चलो अभी लाइन पे लग रहे हैं, शेवपुरी आ गया है। साई ने देखो चालू हो गया दबाना, थोड़ा रुकना भाई चंदन, साई ने पूरी उंगली डाली है भाई, जो नाक के अंदर उंगली डाला था ना अभी साई, शर्म आ रही है देखो, ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, छी अभी इसने ना अभी खाई से चल, अभी इसने असलम से हाथ मिलाया और असलम ने पूरा खुजली बिजली सब कुछ किया, देखो देखो सब इसमें गिरा दिया। दूसरे नहीं खाने वाले क्या उसमें? हां दूसरे नहीं खाएंगे, ऐसे करता है घर से बाहर कभी खाता है कि नहीं, क्यों खाते हो इतना? हां घर से बाहर कभी खाना वाला खाया है कि नहीं? दानों जैसे खा रहे हो क्या ये? दे देंगे साई ने बोल दिया तो साई भाई डाल देंगे या फिर साई कमेंट भी कर देंगे। चलो ठीक है, तो अच्छा था शिवपुरी, सॉरी सॉरी रॉन्ग रास्ता, अभी चलना है उधर खेलना है, हो गया काम हो गया, अभी खेलेंगे थोड़ा। दोस्तों जो गेम के बीच में गेम खेला भी नहीं, स्टार्ट होने से पहले मेरे को फ़ोन आ गया कि फ़ोन लेके आना है। एक्चुअली हम लोग मार्केट में शॉपिंग की, आपको मानना शॉपिंग का महीना है, नान नान शॉपिंग किया जा रहे, तो ऐसे फ़ोन देने आना शॉपिंग के लिए, तो नारी को फ़ोन का काम है, तो चलिए फ़ोन दे के आ रहा हूँ उनको। तो गेम का नहीं, अभी नारी शॉपिंग बनाएगी तो बनाएगी, तो लेट्स गो उधर ही जाना है। मान लीजिए दोस्तों मम्मी लोग मिल गए, क्या इसका ये लहंगा देखियो आपने, किसके लिए ये? ठीक है दोस्तों, नाजी फाइनली शॉपिंग करके आ गई, शॉपिंग क्या क्या बताओ? और ये दोस्तों वीडियो में डाला? जो फोटो लिया था उससे पहले मैंने वीडियो में लिया था। हाँ दोस्तों तो वही वाला जी मैंने आपको दिखाया था। और तो दोस्तों यस, और फाइनल शॉपिंग करके आ गया है, हेक्टिक अभी रोज ऐसे ही मार्केट जाते रहना है। और दोस्तों आज मुन्ना भी आ गए, सोचो फाइनली एक महीने से ज्यादा के दायरे के बाद अब मुन्ना आ चुके हैं घर पे, होम स्वीट होम मुंबई दोस्तों अपने पास, कितने दिनों बाद आए, चले जाते मिलते हैं मुन्ना भैया से और मजे करते हैं, एक्साइटेड हूँ। सो मैं और दीदी निकल गए मुन्ना भैया से मिलने चाची घर पे आए। हाँ तो चले चलते हैं, ये रहे मुन्ना लाल, बहुत पास है। कैसा था गाँव? गाँव कैसा? पेट वेट निकल गया भाई एकदम तगड़ा। शादी में बहुत कुछ लेके आया हूँ गाइस। क्या लेके आए? अभी निकलेगा 9 महीने बाद। क्या क्या खाइए बताओ? खाना क्या क्या खाए शादी में? शादी में क्या क्या खाया मैंने? चिकन भी था, मछली भी था, अंडा भी था। और वेज? वेज तो मैंने खाया ही नहीं ना, इतना कुछ देख के वेज कौन खाएगा भाई दिहाती हो यार आप, सांड जैसे खाते हो। क्या था? लिट्टी था, चोखा था, अरे बहुत चीज था भैया, क्या बताए मजा। और फ्लाइट में क्या खाया?
फिर स्टार्टर में अपना चिकन चिली था। और फ्लाइट फ्लाइट में फ्लाइट का खाना मत पूछो, वो सबसे घटिया था। मतलब एक चम्मच खा के छोड़ दिया, नहीं पसंद आया तो। क्या था क्या लेकिन? वो कुछ तो चावल टाइप दिए थे, वो नूडल्स चावल टाइप कुछ तो दे दिए थे। खास गवाह छू मैं क्या के खाना के ग्रुप पहुंचे थी ना लेकिन मैंने लाउंज में खाया। क्या खाया? अच्छा वो जाते समय ना। हाँ लाउंज इज समथिंग, जाते हो आते वक्त भी खाया ना कोलकाता एयरपोर्ट पे। क्या क्या था लाउंज पे? क्या हुआ कोलकाता एयरपोर्ट पे गया था तो लाउंज में, लाउंज इज मैन शादी के नेक्स्ट वर्जन। हाँ समझ गए, शादी में आई थी जहाँ शादी में कुछ आइटम छूट गई थी, यहाँ ना छूट रही मैन। वो चीज़ फिक्स रही थी, वो बिरयानी हाँ और चिकन के तीन चार वो आइटम हाँ। तो मैंने वो कुछ अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या था कटलेट, चिकन का कटलेट बोल रहा था हाँ हाँ हाँ। वो ऐसे से गोल बोल रहा था हाँ हाँ हाँ। वो कटलेट मेरे को बहुत बढ़िया लगा चटनी के साथ, मैंने पांच छह खा लिया वो कटलेट। और अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या था? दिया मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या था? दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है कोलकाता में। नहीं वो अपने मुंबई वाले में कैसा था? मुंबई वाले में ज्यादा वैरायटी गाइस, यहाँ पे वैरायटी थोड़ा ज्यादा था। स्पेस मैं सुबह में था तो खाली भी था तभी हाँ। और नाश्ता खाना सब रखा हुआ था वहाँ पे, दबा के खाया। वहाँ पे वैरायटी थोड़ा ज्यादा था और मेरे पास टाइम भी पूरा तीन घंटा था, तो मैं पचा पचा के खाया। पहले लाइक पहला बार मैं चना वना भूजा हुआ खाया हाँ। फिर मैं गया अपना छोले भटूरे पे, फिर मैं उसमें गया अपना पाव भाजी पे। क्या बात है, पाव भाजी खाया, फिर मिसेल पाव खाया। उसके बाद मैं बोला प्रॉपर खाना खाया जाए और ये सारा खाना इधर आ गया है। कुछ कम करो अभी से, मुंबई से जाने के बाद अभी कम करना पड़ेगा मुन्ना लाल। मैंने पांच प्लेट लगाया था उस दिन, अभी इसे कम कब कर रहे हो? बताओ एक ही घंटा था मुन्ना लाल, इसे कम कब करना है? ये हो जाएगा गाइस कब तक? क्योंकि अब जब तक फ्लाइट में नहीं आना तब तक तो कम हो ही जाएगा। तो भाई मुन्नाल का पेट आप देख ही रहे हो, बाकी मामा का गिटार का आनंद उठाओ बेचारे मुन्नाल। चलेगा पहाड़ कैसा था हम लोग का? हमारा पहाड़ का ट्रिप कैसा था? बढ़िया था, बढ़िया था। पर मुझे खुशी हुई कि मैं नहीं गया भाई। क्यों? ये लोग का हालत खराब था। अरे वो नहीं मानोगे बहुत मजा आया। मजा आया मुन्ना लाल के हिसाब से कम से कम 7 गुना 8 गुना खाली है। अरे ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत है मैन। अब ये बात दुख हमारा कभी मानो जब हम उतरे वाला देख ली था कि धुन पे हम सब इतना आगे चढ़ दी चली है कोई पे हम सब जंगली जानवर का बिना रास्ता के चढ़ ली मैन। मैन अपने सब जब चढ़ ली तब पूछे थी खाली अपने सब चढ़न सी कोनो मुझे बाहर दे पर देखो पूछे बाहर है ली आगे तो देखे जो बच्चा पूछे सब बाहर एकदम घूम रहे नहीं इधर जाएंगे वापस। मजा आया है ना आपका? आप उधर चल लिए ना ऊपर नीचे आगे भी नहीं लेके लो पेट खत्म हो जाएगा आपका। बट मैं भी नहीं खत्म हो जाऊंगा। चलो जाम हंसता रहता तुम लोग ही ना सीखा ना हंसता रहता। ये क्या गा रहे हो आप वापस? अब रह नहीं सकते ए बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा कर हो जाए से ही हो जाएंगे जुदा तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तुम ही हो दोनों भाई का एक ही आदत है उसको भी बोल रहा हूँ तुम ही होगा मेरी आशिकी अब तुम ही हो एक पल दूर गवारा नहीं
तुझको दिया मेरा वक्त सभी तू मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो अब हमारा मुन्ना लाल गलती करेंगे ये थी 3-2 खिजिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला ये जो साथ जुड़ा है नसीब मेरा तुझे पाके अधूरा न रहा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो बस बस ज्यादा नहीं तुम ही हो चली आएगी अरे मैंने रोया था मैं रोया तुझे ढूंढ के चलो चलेगा उस रूम पे चलो वापिस कैमरा मैन फोकस करो कैमरा फोकस कर रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के रोया था मैं तू ना मिला चैन की रात में सोया ना था मैं रोया था मैं तू ना मिला गा दो मुन्ना लाल लिरिक्स तो निकाल ले कौन सा कोई नहीं मुन्ना शानदार गाइस बहुत टॉप थी मैन तो दोस्तों फाइनली मुन्ना भाई से मिलके आ गए यस अभी घर पे भी खाना बन गया मम्मी कॉल की तो फटाफट आना पड़ा था उस समय तो चलिए अभी खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में है क्या तो दोस्तों फाइनली भोजन समाप्त और यस पेट पूजा एकदम बोलते हैं ना एकदम अच्छे से हो गया एकदम सुख शांति सफल हुआ मज़ा आया खा के दाल आज कुछ अलग ही टेस्ट का था क्योंकि आज का दाल निहादी ने बनाया था इसके लिए दाल आज का थोड़ा अलग है मम्मी का हर बार आया जाता पता नहीं चलता कि अच्छा है कि नहीं बस आदत हो गया बचपन से लेकिन निहादी माई जी आज का टेस्ट थोड़ा निखार था और अच्छा लगा मैंने पिया वापस एक बार बाटी सोच रहा हूँ तो अच्छा था और बस आज का लोग इधर एंड करते हो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों प्यार देते रहे बने रहे और कुछ नहीं बाय स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्वीट ड्रीम्स जय माता दी हर महादेव जय श्री राम बाय दोस्तों गुड नाइट बाय 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 दोस्तों बाय